आप जो चाहे, आप चाहे तो कोई सवाल कर लें, कोई कुछ चीज़ को आप पूछना चाहते हैं, हमने जो बात की अपनी बात की, ये जो सवाल जवाब की नशस्त है यही हल्का यारा भी है सर, आते हैं यही हमारा हल्का यारा है जी बेटा। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तानियत हिंदुस्तान की मतलब सरकार की उसको कभी मुकम्मल नहीं होती नहीं बेटा, पाकिस्तान उस वक्त भी मुकम्मल हुआ था कि जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में पहुंची थी और सामने इंग्लैंड था, तो भी पाकिस्तानियत मुकम्मल थी। पाकिस्तान जहाँ कहीं भी पाकिस्तान चैलेंज में आएगा, पाकिस्तानियत उस वक्त भी सामने आई जब गजला आया, पाकिस्तानियत उस वक्त भी आई जब माशाल्लाह पाकिस्तान ये किसी भी हवाले से दुनिया में किसी भी जगह को कारनामा जाती है। ये चैलेंज खासतौर पर जो चैलेंज इंडिया, यस हमारा अजली अब से दुश्मन है, हमारा उनके साथ एक अल्लाह ताला ने ये रिश्ता कायम कर दिया है, हम सिर्फ टेम्प्रेरी फेज बाहर आए हुए हैं, टेम्प्रेरी विड्रॉल है हमारी, एक हिजरत हमने की है छोटी सी, मदीने की रियासत ने हिजरत की थी टेम्प्रेरी रीग्रुपिंग के लिए, वापस उसने मक्का कैप्चर करना ही करना। तो अल्लाह ताला ने उनको हमारा असली अपनी दुश्मन बनाया है, ये तो होगा ही, तुम्हारे खून में रखा गया, ये हो ही नहीं सकता जिन पर आपने 1000 साल हुकूमत की हो, जिनको जब मौका मिला उन्होंने आपके साथ जो सलूक किया, हम इज़्ज़त और आबरू से हुकूमत करते रहे, उनको जब मौका मिला तो उन्होंने 50 लाख से ज़ायद मुसलमानों को ज़बह किया, जिनका अख्तियार था ताकत थी उनके पास, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारी पाकिस्तानियत अल्लाह के फजल से इससे कहीं ज़्यादा है। उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करने की बारी आई उस वक्त हमारी पाकिस्तानियत ज़्यादा थी, यूनाइटेड नेशंस में आपको तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत पड़ी तो जज़िया को भेजा गया, मुसलमान दुनिया ने पाकिस्तान को आगे किया था कि आप जाए बात करें, ईरान इराक जंग लगी तो किसी को रुकती नहीं थी जंग, पाकिस्तान को भेजा गया जंग को, हमारा अल्लाह के पास बेटा बड़ा रोल है, बड़ा काम है, पीछे भी कर चुके हैं, रायता करेंगे, एक जरूरतमंद हुक्मरान हमारा हो ना, मजाल नहीं है किसी की मुसलमान दुनिया में इसके बाद एक कोई बुरी नज़र से देखते हैं, एक जब गैरतमंद शख्स होता है ना तब अपने बच्चों के अपने भाइयों की हिफाजत साथ करता है, वो कोई गैरतमंद नहीं होता जो खुद अपने आप को बचा के बैठ जाए तो मेरे भाई मरते हैं मुझे परवाह कोई नहीं, उसको गैरतमंद नहीं कहते, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, चेचनिया बोस्निया कश्मीर फलस्तीन के मसले खड़े हों अगर पाकिस्तान में कोई गैरतमंद हुक्मरान हो, जरूरत नहीं होगी किसी की ऐसी बात करते क्या ये मुसलमान को, अभी मुसलमान उन्होंने देखा नहीं है, अभी देखे नहीं है मुसलमानों ने, तो उनको रोक छोक डालते हैं हमारे ऊपर बड़ा कहने की बात, देखे तो इन शाला होगा क्या। हाँ बेटा हम कुछ भी नहीं होते बेटा, हम कुछ भी कोई भी नहीं होते, सब कुछ अल्लाह उसके रसूल होते हैं, हमारे पास अगर किसी को बेंचमार्क है किसी को मुसलमान कहने का, भाई ये शख्स मुसलमान हम है नहीं, हम कोई होते हैं कहने वाले, किस बुनियाद से कह सकते हैं, एक शख्स ने कलमा पढ़ लिया मुसलमानों को और हम कहते हैं ना मुसलमान, यही मुसलमान फैसला करते हैं कि ये शख्स काफिर है, तभी तो आप काफिरों से मामला करते हैं, कोई आयुल काफिर कोई शरायत है जो पूरी नहीं करता तो काफिर है। इसी तरह मुर्तद की भी एक शरई इस्तलाह मौजूद है, एक शख्स जो पहले कहे मैं मुसलमान हूँ फिर कहे मुसलमान नहीं हूँ, सारे मुसलमान कह सकते हैं कि तो मुर्तद तो क्यों, अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्नत तुमने दीन ला के छोड़ दिया है कि नहीं। इसी तरह कुरान पाक में सूरत मुबारका में एक बहुत बड़ी कैटेगरी मुनाफिकीन की भी, जो कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन ईमान नहीं लाए, उनका सारा अमल होता है, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा अमीरुल मुनाफिकीन कहलाता था, अमीरुल मुनाफिकीन क्यों कहते, उसको काफिर नहीं कहते, अमीरुल मुनाफिकीन कहलाता, किसी ने उसको मुशरिक नहीं कहा, किसी ने काफिर नहीं कहा, मुसलमान था यानी शरई डेफिनेशन से मुसलमान था, मगर उसको तारीख में अमीरुल मुनाफिकीन कहा गया, और जब उसका जब वो मरा जाके सारी जिंदगी फितने डालता रहा दीन में, कभी मस्जिद इज़रार बना रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, जब मरा है जाके अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया हुजूर को, तो उसका जनाजा नहीं पढ़ना, उसके लिए इस्तग़फ़ार नहीं करना, फरमाया 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार भी आप करेंगे, हुजूर काफिरों के लिए तो इस्तग़फ़ार नहीं करते ना, मुसलमानों के लिए करते। अब्दुल्ला बिन उबई ऐसा मुनाफिक था कि हुजूर 70 दफ़ा उसके लिए इस्तग़फ़ार फरमाना चाह रहे थे, अल्लाह ने फरमाया 70 दफ़ा करेंगे मैं नहीं मानता, उसको मारे भी उसको मोमिन बेटे ने, तो द पॉइंट इज वो मुनाफिक था, और मुसलमानों में शरई तौर पर इसकी पूरी दलील मौजूद है कि कोई शख्स अमाल देखकर आप गवाही देते हैं कि ये काफिर है मुर्तद है मुनाफिक है या मोमिन है, अमाल गवाही देते हैं,
तो मैं कोई भी नहीं होता, सब रेफरेंस कुरान और सुन्नत होते हैं। और मुनाफिक के बारे में कहा गया है कि जहन्नम के बदतरीन दर्जे में जलेगा, काफिर से भी बदतरीन। अगर आप नोट करें तो यही अल्फाज हमने अल्ताफ हुसैन के बारे में कहे थे। तो मेरी मजाल नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात करूं, हमने हर जो जानता था वो जानता था कि रेफरेंस कुरान के हवाले से है कि तुम बदतरीन मुनाफिक हो, और तुम बदतरीन मुनाफिक हो इसलिए जहन्नम के बदतरीन दर्जे में जलाए जाओगे। अल्ताफ हुसैन काफिर नहीं कह रहे उसको, उसको मोमिन नहीं कह रहे, मुर्तिद भी नहीं कह रहे, बदतरीन मुनाफिक कह रहे। वो वक्त अब्दुल्ला बिन उबई है, इसलिए उसका अंजाम वो होगा जो अब्दुल्ला बिन उबई का हुआ था। मेरी जान, हमें पूरा इख्तियार है ये कहने का कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अपनी जात की तरफ से नहीं। हमारे अल्फाज भी नोट करो तो वो कुरान की आयत का तर्जुमा था कि तुम्हें जहन्नुम के बदतरीन दर्जे, कुरान में लफ्ज़ दरकुल असफल मिन नार, जहन्नुम का बदतरीन दर्जा। आगे हमने जुमला लगाया था, फिर हम ये देखेंगे कि अल्लाह तुम्हें खुद सजा देता है या हमारे हाथों पिटवाता, ये भी कुरान की आयत है, ये भी कुरान की आयत का तर्जुमा था कि कुरान में अल्लाह ताला मुनाफिकीन को एड्रेस करके मोमिनीन की जबान से कहलवाता है, मोमिन से कह दो हम देखते हैं कि अल्लाह तुम्हें अजाब देता है या हमारे हाथों पिटवाता। वो भी कुरान के अल्फाज थे, हमने जो उसको वार्निंग दी थी वो कुरान के अल्फाज में दी थी, अपनी तरफ से नहीं दी थी। मैं कुछ भी नहीं होता, सब कुछ कुरान। सर, आई हैव अ थ्योरी कि 65 वाज काइंड ऑफ बदर, 71 वाज उहद, 79 टू 89 इसको अगर हम हुदैबिया कहें जिसमें हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, जो नियुक्त हमने बनाए, तो कैन वी से कि सिंस 2001 वी आर इन द स्टेट ऑफ लाइक जंग खंदक? नहीं बेटा, यू कैन से यस। देखिए, एग्जैक्ट सिमिलर तारीख है ना, आप मिसाल कभी एग्जैक्ट नहीं होती है, मिसाल कभी एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की जो सिमिलैरिटीज मदीने की रियासत से वो हैरत अंगेज है। खंदक की लड़ाई में भी यही हुआ था कि दुश्मन चारों तरफ से घेर के आ गए थे, मुसलमानों को घेर के बैठ गए थे, सीज थी, घेरे चले गए थे मुसलमान, और फिर अल्लाह ने करम ये किया, मुसलमानों ने खंदक में शिकस्त नहीं दी थी दुश्मनों को, अल्लाह ने शिकस्त दी थी, तूफान आ गया, वो खुद डिसअपॉइंट हो गए, उनकी इकॉनमी तबाह हो गई, उनकी मीशत तबाह हो गई, वो खुद कोलैप्स कर गए, खुद ही निकल के भागे, और उसके बाद दोबारा मुसलमानों पर कभी नहीं आ सके, फिर मुसलमान ही गए उनकी तरफ। इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टेज है, अमेरिका ने घेरा हुआ एक तरफ, इंडिया ने घेरा हुआ एक तरफ, सारी अहजाब आ गई ना, सारी फौजें, खंदक को अहजाब भी कहते हैं, जंग अहजाब, कई फौजें आ गई घेरने के लिए, नेटो आ गई, ये आ गई, बात ठीक है बेटा के, और अभी हम भी घेरे में बैठे हैं, मार खा रहे हैं, फंसे में तकलीफ है। ये ग़ज़वा खंदक ही का मौका था जब सहाबा कराम ने हुजूर से शिकायत की जाके कि या रसूल सल्लम हमारे पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, तो हुजूर ने अपनी कमीज उठा के दिखाई तो दो पत्थर आपके बंधे हुए, सब चुप हो गए उसके बाद, जब खुद हुजूर का ये हाल है तो हम क्या शिकायत करें। तो ये हम इस चीज़ की हालत में ज़रूर हैं, तो सिमिलैरिटी तो ज़रूर निकलती है कि अहजाब आई हुई है, फौजें आई हुई हैं, घेरा हुआ है हमको, लेकिन इंशाल्लाह उस वक्त की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स मुसलमानों ने लगाई थी, तलवारें नहीं चली ज़्यादा, स्ट्रैटेजी लगी थी, कैसे, यानी बेसिकली मुसलमानों ने ग़ज़वा खंदक जीती थी इंटेलिजेंस वॉरफेयर से, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से, डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से, उनकी अलायंस को तोड़ा था किस तरह, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से। देखिए, हम इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, हमारा मिशन जो है, अगर आप इसको सही मानों में किसी अल्फाज में महदूद करना चाहते हैं, तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। एक होती है तलवारों से जंग होती है, हम एयरवेव्स पे, मीडिया पे जंग करते हैं, वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, हम और तगड़ा पाकिस्तान का हौसला बढ़ाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उनका झूठ खोल देते हैं, वो पाकिस्तान को डिमोरलाइज करते हैं, हौसला दे देते हैं। जंग जो हो रही है एयरवेव्स पे हो रही है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पे हो रही है। ग़ज़वे खंदक में ये हुआ, एक सहाबी मुसलमान हो गए, मतलब एक काफिर मुसलमान हो गए, हुज़ूर के पास आए, चुपके से छुपके आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, काफिरों को पता नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मुझे इजाज़त दे दे कि मैं जो मर्ज़ी करूँ, सच बोलूँ, झूठ बोलूँ, आपने मुझसे पूछना कुछ नहीं है, मैं कहा जो मर्ज़ी मैं करूँ, मैं एक आदमी हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं सारी फौजों को शिकस्त अकेला दे दूँ। तो हुज़ूर ने उससे फरमाया, आप क्या करोगे? कहले सईदी, मुझे इजाज़त दे दें, मुझे देखें फिर मैं करता क्या, जाओ इजाज़त। उनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया, जाओ। वो दोबारा दुश्मन के कैंप में गया, दुश्मन समझ रहा है कि काफिर है, किसी को पता ही नहीं, काफिरों के अंदर से ही उनका एक आदमी, टॉप आदमी मुसलमान हो गया। अल्लाह को कोई प्रॉब्लम है? आज नेटो का कोई अफसर मुसलमान हो जाए, अमरीकी जनरल मुसलमान हो जाए, अल्लाह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ भी अंदर से हो सकता। उस वक्त यही हुआ, नेटो की फौजें आई हुई थी, नेटो का एक कमांडर मुसलमान हो गया, हुजूर के पास आके कहते सही थी, मैंने बैत की, मुझे हुक्म दे, मैंने इनका बेड़ा गरक कब करना है, देखे क्या करता है, जाओ। वो गए, दो कैंप थे, दो अलायंसेस थे ना, अलायंस थे, दो बड़े बड़े ग्रुप बने हुए। वो एक ग्रुप के पास गए, कहते हैं मुझे दूसरे ग्रुप की नीयत में शक लगता है, इतनी सी बात थी। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कहते यार कल निगोशिएशन होंगे ना, कल बैठेंगे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए,
तुम उनसे कहना हमें, मुझे तुम्हारी नीयतों में शक लगता है, मुझे अपने 10-12 आदमी यरगमाल दे दो। अब यरगमाल की बात अगर शुरू हुई तो झगड़ा तो वहीं पड़ जाना था, बस इतनी सी बात की। अगले उन्होंने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो मान ले, बिल्कुल सही, मतलब तुम्हारे एतबार ही आदमी। फिर ये दूसरे कैंप में गए, दूसरे कैंप के लोगों के साथ बैठे, खाना पीना खाया, फिर खाने के बीच में कहते हैं यार मुझे उनकी नीयतें ख़राब लगती हैं, कल जब निगोशिएशन हो ना तो तुम उनसे यरगमाल ही मांग लेना, बस इतनी सी बात इन्होंने कर। अब अगले दिन निगोशिएशन हुई, दोनों फौजें आके बैठी आमने सामने, दोनों कुफार की फौजें, मुसलमानों के खिलाफ स्ट्रैटजी बन रही है। जैसे ही बैठे बीच में, एक तरफ का कुफार का लीडर कहता है हमें तुम्हारी नीयतों में शक लगता है, अपने कुछ यरगमाल ही पहले दो फिर हम बात शुरू करेंगे। अगले कहते देखा ये तो मैं रात पहले ही बताया था उसने कितनी नीयतें खराब हैं, ये कुछ फ्रॉड करें। दोनों में वहीं झड़प हो गई, फूट वहीं पड़ गई। और उस रात तूफान आया, बारिश आई, हंगामा, एक सैलाब आया, सब कुछ, मतलब एक तूफान में ये पहले ही डिमोरलाइज हो गए थे कि फौजें टूट गई आपस में, तहादियों में लाइसेंस खराब हो गए आपस में, उनको पता था एक दो दिन और रोके थे दूसरे को मारेंगे। इन्होंने फौजें उठाई, सामान लिया, गए मुसलमान उठे, एक दिन ही सारे सारे पूरी जंग जीती है मुसलमानों ने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। ये स्ट्रेंथ है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की, इसको कम नहीं समझ। जो जंग हम कर रहे हैं ना वो यही इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। इस वक्त बिलबिला उठा है, लिटरली बिलबिला उठा है इंडिया, बिलबिला उठा है CIA। पाकिस्तान की तारीख में कभी मीडिया पे प्रोग्राम नहीं चला CIA थ्रेट टू पाकिस्तान, इतने ब्लंट प्रोग्राम पे नाम लेके उनको कि सब काम CIA कर रही है, इस तरह कर रही है। सारे जो दुश्मन पाकिस्तान के, अल्ताफ से लेके बैतुल्ला महसूद से लेके जरदारी से लेकर बलोचिस्तान लिबरेशन सेपरेट लेके अवामी नेशनल पार्टी तक, किसको छोड़ा है हमने? हमने एक गोली नहीं मारी, एक जुलूस नहीं निकाला, लेकिन ये सारे एक्सपोज होके बिलबिला गए। पूरी कौम का हौसला बुलंद हो गया, कौम मुत्तहिद हो गई, यूनाइटेड हो गई, माशाल्लाह। मुल्क टूटने की कहाँ बातें हो रही थी, अब इंडिया फतह करने की बातें हो रही हैं, माहौल बदल गया ना बिल्कुल। इतनी बड़ी क़यामतें आई, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बात, विल स्टैंड अप अगेन, कोई मसला ही कोई नहीं, अल्लाह का करम। हमें याद है कि ये T20 वर्ल्ड कप का जो हम फाइनल आ रहे थे, 192 करने के बाद बच्चों का मूड था कि अब तो हम ले ही गए सब कुछ, अब तो मसला ही कोई नहीं, और 192 किए बैठे हैं। और सच्ची बात है कि उस वक्त अल्लाह को भी भूल गए थे, यानी उस वक्त जो मुझे SMS मैसेज आ रहे थे कि हम जीते ही जीते, इंशाल्लाह भी नहीं लिखा हुआ था उसमें, हमने कहा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो अल्लाह ताला जो कोई चीज़ सर उठाएगा उसको अल्लाह ताला की सुन्नत है कि उसको सर को नीचे करता ही करता है। पहले बच्चों का बड़ा था जो मैच शुरू हुआ, अल्लाह से दुआ करनी है और ये करना, जैसे जैसे माशाल्लाह फिगर 150, 160, 170, 180, अब तो डन ही डन है, अब तो जीते गए, कैफियत ही बदल गई। यही इंसान की फितरत है, अल्लाह उसको कामयाबी और आफियत देता है, वापस से बाहर हो जाता है, इसीलिए तरबियत ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया रुपया, दौलत, इख्तियार, ताकत मिलने से इंसान बदलते नहीं है, ज़ाहिर हो जाते हैं। जब तक खसलत इंसान की मजबूत ना हो ना, ज़रा रुपया मिलेगा आप इसे बाहर। एक आपको मैं वाक्य सुनाता हूँ, हदीस शरीफ, एक आदमी हुजूर के पास 5 वक्त हुजूर के पास बैठा रहे, सारी नमाजें हुजूर के साथ पढ़े, सारा दिन हुजूर की सोहबत में रहे, गरीब था, उसने हुजूर से जिद कर ली कि या रसूलल्लाह मुझे दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे माल दौलत अता करे। हुजूर उससे कहें बाबा तेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे पास बैठ, तेरे लिए बेहतर है। उसने हंगामा कर दिया, मुझे माल चाहिए। एक दिन हुजूर ने निगाह फरमाई या अल्लाह, हुजूर ने दुआ निगाह ही फरमाने की ना, देखते ही देखते उसके पास जा रहा माशाल्लाह दौलत के अंबार लगना शुरू हो गए, बकरियां बढ़ना शुरू हो गई, दौलत ऊँटे। पहले कहाँ हाल ये था कि 5 वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे रहता था, अब बकरियां इतनी हो गई कि शायद जुम्मे के जुम्मे आने लगा, फिर ज़्यादा बकरियां बढ़ गई तो मदीने से बाहर घर ले लिया, अब वो भी जुम्मे भी बंद हो गए। अरसा गुजरा, हजूर ने भेजा एक साहबी को कि जाओ इसे ज़कात लेकर आओ। जब वो साहबी उसके पास ज़कात के लिए पहुँचते हैं तो वो कहता है कि ये ज़कात तो नहीं तो टैक्स लगता है मुझे, हजूर से कहो मैं खुद लेके आ जाऊँ, उसका खाना जवाब। चंद दिनों के बाद हुजूर के पास आता है ज़कात लेकर, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तेरी ज़कात कबूल नहीं कर रहा, वापस ले जाओ। इमेजिन करें उसकी ज़कात कबूल नहीं, वो आदमी पिट गया। उसके बाद कई साल हुजूर के पास आता रहा, मेरी ज़कात कबूल कर ले, हुजूर फरमाते तेरी ज़कात अब अल्लाह कबूल नहीं करे, गुस्ताखी कर बैठे। उसके बाद हज़रत उमर का अबू बकर का दौर आया, हज़रत अबू बकर जिन्होंने ज़कात ना देने वालों के खिलाफ तलवार निकाली, वो हज़रत अबू बकर, वो 3 साल आदमी उनके पास आके पिटता रह गया कि मेरी ज़कात ले लें। फरमाते हैं जिसकी ज़कात अल्लाह के रसूल ने ले ली, मैं कबूल नहीं करता। हज़रत उमर का दौर आता है, हज़रत उमर के दौर में वो शख्स पिटता रह जाता है हर दफ़ा उनके पास आके कि मेरी कोई ज़कात कबूल कर ले, मुसलमान माशरे में कोई उसकी ज़कात नहीं कबूल करता। क्यों? जब अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया वो आपे से बाहर हो गया, फिर